देखते हो सीरियल वगैरह कुछ? डोरेमोन। छोटा भीम आता है क्या? छोटा भीम, आप छोटा भीम वगैरह देखते हो आप? तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है हमारा आश्रम होम केयर। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सब लोगों एक नए गलत कर दिया ना स्वागत है आप सब लोगों एक नए व्लॉग में। भाई रुक जाओ यार, मेरे को कम से कम स्टार्टिंग तो करने दो यार। जा 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 जा। अरे स्वागत है आप सब लोगों एक नए व्लॉग में। भाई बार बार मेरे रोड के आगे परेशान करते हैं, पाँव पाँव करते करते। सो गाइज आज है संडे 31st of December। आज मेरे ऑफिस की भी छुट्टी है, तो आज भाई इतना सही लग रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, मतलब मैं वहाँ पे जाके बताऊँगा आपको कि मैं मेरा 2023 एंड कैसे कर रहा हूँ। एंडिंग ऑफ 2023 एंड बिगनिंग ऑफ 2024। चुप हो जा साले। एंडिंग ऑफ 2023 एंड बिगनिंग ऑफ 2024। तो भाई आज बहुत एक अच्छी सी चीज़ करने वाला हूँ। वैसे वो मैं हर महीने करता था, लेकिन वो मेरे क्या है वो मतलब हर महीने, वैसे तो वो वाली चीज़ मैं हर हफ्ते करता था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो मैं स्किप हो रहा था मेरे बहुत टाइम से। तो मैंने सोचा कि एक डेढ़ महीने का जो भी हो सब एक साथ कर दो, और वो वाली चीज़ मैं हर हफ्ते करता हूँ, लेकिन अब मैंने रूल बनाया कि मैं हर महीने करूँगा। तो अभी भाई चलते हैं वहाँ पे, और मेरे साथ जहाँ तक ये रोहित आएगा और दो फ्रेंड और हैं हमारे, लेकिन उनका कन्फर्म नहीं आएंगे नहीं आएंगे, वो जाऊँगा तब बताऊँगा मैं आपको। और हियर इज़ आवर मॉम। मम्मी ऐसे हो जाओ, ऐसे 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 अच्छे नहीं आते आप। हेलो मम्मी, अच्छा रहो ना आप? अच्छा मेरी बात सुनो, 31st के टाइम पे मैं पार्टी करने जा रहा हूँ अभी इन द सेंस। अभी तो मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, जब मेरा कल व्लॉग आया ना तो व्लॉग देख लेना आप, तो आप समझ जाओगे कि मैं बहुत एक अच्छा काम करके आया हूँ। अब वैसे आपको पता तो है वो जो मैं काम करने जा रहा हूँ, वो मैं किसी को बता तो नहीं, लेकिन अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी तो व्लॉगिंग में जितने भी जो अपने सब्सक्राइबर्स है, सारी अपनी फैमिली है, तो इनको बताना ज़रूरी है। कैसे हंस रहे हो यार, क्यों इतना हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो इतना ज़्यादा, खूबसूरत आ रहे हो क्या? अच्छा वो सब छोड़ो, सुनो मेरी बात। 31st है आज, और आज मैं शाम को पार्टी करने जाऊँगा, कल सुबह आऊँगा मैं, तो अपने गेट वेट बंद करके सो जाना। मतलब मैं ऐसे तो अभी जाऊँगा और फिर शाम को दोबारा आऊँगा, फिर मैं जाऊँगा। क्या देख रहे हो, इधर देखो ना कैमरे में। तेरे को देख रही हो क्यों? मैं तो हूँ ही खूबसूरत, देखने वाली चीज़ हूँ, देखो देखो ऑल नेचुरली। अच्छा ठीक है, क्या बात है, राव साहब का टेंशन नहीं होता है भाई। मतलब पता है औरों के घर पे होती है परमिशन लेनी होती है कि हमको मम्मी से डैड से यू नो परमिशन लेनी है ऑल, नहीं हमारे घर पे पूछना नहीं, बताना होता है। हमारे घर पे बताना होता है, मम्मी कुछ कर रही है बता रही है, मैं कुछ कर रहा हूँ बता रहा हूँ, दीदी कुछ कर रही है बता रही है, पूछ है रीति रिवाज ही नहीं पूछने वाला। तो एनी वाइज अभी चलते मैं लोग जाऊँगा लेट, तो अभी सबसे पहले मैं जाऊँगा मानसो प्लाजा, वहाँ से रोहित को पिकअप करूँगा। डब्बा ले ले या फिर एक एक वाली जो है वो वाली ले ले, कोई सी भी ले लेना पड़ेगा। कौन सा वाला? चॉकलेट वाला। वो इतने कितने आते हैं? वो इनमें मिठाइयाँ आती है, चॉकलेट आती है। ये तो मेकअप का सूट है यार, ये पार्लर भी है। और देख ये तो बहुत बड़ा पार्लर है। वो खड़ी चखना मिल गया, चखना रात के लिए। ये वाली लेके चले गया, ये मैं वैसे किसी को गिफ्ट तो दूंगा, मैं अच्छी है वाली, जो मेरा बहुत फेवरेट पर्सन होगा ना उसको गिफ्ट दूंगा, गुलाब जामुन मिला के दे दूंगा। प्रिया को दे देना फिर। ये प्रिया प्रिया दिस इज़ फॉर यू। खत्म। तो भाई अभी हम लोग आए हैं बेकरी चॉकलेट्स लेने के लिए। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं ऑर्फनेज, गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे पहले ऑर्डर दे दिया खाना वगैरह का, तो वो अभी बन रहा है वहाँ पे 20 मिनट अभी। हाँ प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन एंड ऑल है ना, तो अभी उनके लिए हम लोग यहाँ से चॉकलेट लेके जा रहे हैं और खाना वहाँ पे बन रहा है। तो अभी चलते हैं और बच्चों को खाना खिलाएंगे। तो मेरा जो बता रहे ना सरप्राइज़ या फिर कुछ एक चीज़ है, वो यही चीज़ है कि मैं ऑर्फनेज में खाना खिलाऊंगा। और पहले मैं जब काली हनुमान जी के जाता था हर शनिवार को, मतलब अभी भी जाता हूँ, तो जब मैं शनिवार को जाता तो मैं वहाँ पे तब मैं ये काम करता था कि मैं 20 थाली पैक करवाता था वहाँ पे गरीबों को बांटता था, लेकिन फिर मेरे को वो थोड़ा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि अब कोई भी एक ऑर्फनेज वगैरह होगा जहाँ पर गरीब बच्चे हों या फिर थोड़े डिसेबिलिटी वाले हों, तो उनको अपन खाना वगैरह दे के आएंगे। देख लो कितनी कितनी पीस है, 42 बहुत है। डन है, बोल देने का कि भाई बस बाकी हम लोग देख लेंगे, मैं आ जाऊंगा पीछे चिल्लाते हुए, स्टाफ से भाई स्टाफ से अभी ठुक जाते भाई। तो अभी हम लोगों ने चॉकलेटें ले ली और अब जा रहे हम लोग ऑर्फनेज खाना वाना खिलाने। ले ली ना भाई, ये देखो चॉकलेट्स, ये थोड़ी बहुत ये भी। तो भाई अभी चलते हैं वहाँ पे, अरे गेट ही नहीं खुल रहा। अगर YouTube के लक्षण पहले आ गए होते ना तो अभी तक तो मिलियन में पहुंच जाते। अभी तक फिर किया सेल्टोस की जगह है ना, एलविश यादव की तरह वो उसमें घूम रहे थे मर्सिडीज में। बात ही है ना कि जब जब मैं कुछ बोलता हूँ कैमरा बंद होता है, वरना तो फेमस हो जाते अभी तक। तो भाई ये मैं, संजय भैया, रोहित, हम तीनों है अभी। हेलो वसूली भाई।
भाई चलो चले लोकेशन खोल लेते हैं। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं ऑर्फनेज, यहाँ पे मैं संजय भैया और ये रोहित, यहाँ पे भाई अभी हम लोग हैं। कौन सा सीरियल देखते हो आप? कौन सा सीरियल देखते हो? कौन से? जोर से बोलो। कौन से नैना? देखो सीरियल वगैरह कुछ। डोरेमोन। छोटा भीम आते हैं? छोटा भीम आप? छोटा भीम वगैरह देखते हो आप? कौन है? बोल बोला। ये क्या ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। कैसी है? इसका नाम पता है क्या है? चंपी। कैसी भैया की गर्लफ्रेंड? रणबीर कपूर पसंद है क्या आपको? आपकी भी है कोई? है आपकी है क्या कोई? है आपकी? आपकी है कोई? है कार्तिक? चलो आप बैठो। कार्तिक इधर बैठो। नहीं है भाई। बेचारे बच्चे को पकड़ा दिया हम लोगों ने। भाई बच्चों का खाना वगैरह हो गया और अभी कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, कुछ लोग आए हैं जिनको कपड़े वगैरह दे रहे हैं और अंदर हमने खाना खिला दिया। इनकी का बर्थडे था, इन्होंने भी इनको थोड़ा खाना पेस्ट्रीज वगैरह खिलाई और भाई वहाँ पर पूरा है और अंदर से मैंने तुमको दिखाई दिया। बाकी यहाँ पे कैमरा लग रहा है, ये लोग यहाँ पे हम लोगों ने इनको खाने खिलाया था, कुछ बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं, बाकी यहाँ पे ये लोग हैं और ये लोग बाहर वाला पोर्शन है और यहाँ पे ऐसा सब कुछ है। और भाई ये इनका ऐसा कंप्यूटर सिखाने वाला रूम है पूरा, ये रहा स्पेनिश वगैरह क्लासेस भी होती हैं। अब ले लो भाई, बच्चों सारे ऐसे कर दो। ठीक ठाक था खाना? नहीं भैया ने दो चॉकलेट दे दी जो भी भैया। अगली बार हम खाने में और सुधार किया जाए, हमारे बच्चों को इतना नहीं लगा। बिल्कुल आई होप कि संडे भी होगा। बिल्कुल अच्छी आया हमारे सारे बच्चे यहां पर होंगे। कौन सी क्लास में हो तुम? किस कौन से? और प्रेप ले प्रेप। हां तो भाई अभी हम लोग वहां से हो गए फ्री और अभी मैं रोहित और देखो ये अभी हम तीनों यहाँ पे टाउन कॉफ़ी थोड़ा हम लोग खाएंगे पियेंगे और यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे हम लोग बैठेंगे। आप यहाँ से मैं काफ़ी अच्छा आ रहा हूँ, सुंदर आ रहा हूँ मैं भी यहाँ पे अच्छा आ रहा हूँ। मैं इसीलिए क्योंकि वहाँ से सूरज की रोशनी है तो पूरा ऐसे सही आ रहा हूँ। यस हाँ देख रहे हो लो। मैं बताऊँ मैं ऐसे सही रहेगा, आप तो आई नहीं यार। नहीं नहीं सही है, आपको थोड़ी पता है मेरी वो वाली वियतनामी टी वाली स्टोरी, देखो तो बताई थी मैंने। मैं शॉर्ट में बता दूं, मैं है टाउन कॉफ़ी नया नया, आप सुनते रहें मैं कैमरे में देख रहा हूँ। मैं भाई यहाँ पे है टाउन कॉफ़ी तो यहाँ पे मेन्यू में लिखा वियतनामी आइस टी 75 रुपये, आराम ज़्यादा ने ये नहीं लिखा 75 रुपये ML या स्मॉल मीडियम लार्ज। मैंने बोला सस्ती है भाई लेके आ जा, लेके आ गया। एक कांच का ग्लास लेके आता है जिसमें कि सिर्फ बर्फ़ थी और एक में वो जैसे फिल्टर्ड कॉफ़ी होता है ना सॉर्ट ऑफ होता, वो लाके मेरे सामने रख दिया। मैं बोला भाई क्या करूँ, बर्फ़ में ही हटा इसमें बर्फ़ डाल करूँ क्या। अरे भाई यार ये तो बड़ा गजब का सीन हो गया भाई। मैंने आओ देखा ना ताओ कॉफ़ी ली बर्फ़ में डाल दी, अब वो बर्फ़ के नीचे कॉफ़ी तुरंत चली गई। अब मैं इसको पीऊँ कैसे? वेटर आता है मैं सर नॉट लाइक दिस, बर्फ़ वाले में से उस कॉफ़ी को निकालता है और ऐसे चम्मच से घुमाता है भाई, बिल्कुल काली झकती पता नहीं क्या हुआ वाइट दूध बन गई। मैं तेरी माँ का भाई साहब ये कैसे कर दिया बंदे ने, तुरंत ही हो गई वो पूरी की पूरी कॉफ़ी उसने फिर उसमें डाली आइस वाले में। अब जब मैंने ली ना तो देखो जैसे ये कॉफ़ी है ना तो वो सिर्फ यहाँ तक ही भरी थी, यहाँ से देखा तो भाई सिर्फ यहाँ तक ही भरी थी। जैसे ही उसने वो डाला वो फेट वेट की और किया भाई सब ठेठ यहाँ तो। अब मैं उसको पीऊँ और क्या शानदार लगे, मैं क्या बढ़िया चीज़ है 75 रुपये में सही सुलट गया अपन तो। मैं भाई बिल लेके आता टशन में बोला बिल आता है 560 रुपये का, मेरी पटके 4 हो गई। 75 की ML थी वो, 75 ML थी, मैं बैंड चल ली की इसमें 75 ML है भाई यार हालत खराब हो गई मेरे दोस्त टाइम में, क्या यार का सिस्टम हो गया अर्जेंट में बोला फाइनेंसर। अरे पूछ मत, फिर मैंने कसम खा ली मैं आज के बाद भाई को फोन कर रहा हूँ सब मैं करना ही नहीं है। मैं क्या ऐसी चीज़ करो, मैं फिर पूछा फ्रैपे वगैरह में क्या शेक होते ना ये, हेलो हाँ मैं ठीक है ये ला के दे मेरे को बड़ा सा अच्छा सा वसूल दो पैसे यार 560 रुपये में काली कॉफ़ी भी क्या है। ठीक है
पालक की सब्जी चाय भी है ये खिचड़ी लग रही है भाई है मूंग दाल वाली खिचड़ी लग रही है तो मेरे तो समझ के बाहर है चाउमीन हरी होती नहीं है साथ में ब्रेड है रोहित तेरे हिसाब से क्या था ये क्या देखिए अच्छा होगी सर हो रही है सर हो रही है हाँ तो गाइस नरेंद्र भी आ गए अब जाएंगे थोड़ी बस पार्टी पे आ जाओ क्या बात है हाय हेलो बोलो कुछ हाय गाइस क्या हाल है आपके गाइस के तो सब बढ़िया हैं चंगे हैं चंगे कैसे लग रहा है आज आज मुझे बहुत मैं अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा है आज अच्छा लग रहा है अच्छा क्या बात है लो भाई चलो आ जाओ भैया है ना तो फिर वीडियो वाला काम हमारा राहुल साहब के काम तगड़े होते हैं लो भाई लो नमस्ते नमस्ते खुश रहो मम्मी नरेंद्र और बच्चे ठीक है बढ़िया चलो बढ़िया हो गया अब हम लोग जाएं फॉर श्योर ओके चलो बाय बाय टाटा ना तो भाई चलो अभी चलते हैं अपन और क्या हुआ क्या नहीं ये वाला पहन लिया ना लो चलो चलो तो भाई चलते हैं और पार्टी इंजॉय करते हैं 31st को वेलकम करना है ना भाई इसलिए तो भी चलते हैं और मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ बिकॉज मैं एक बार में जा रहा हूँ जो कि मेरे खुद के फ्रेंड का है और बहुत टाइम हो गया मैं वहाँ पे गया नहीं तो उसने बोला कि लोकेश जी आज आप मेरे वहाँ पे आ जाना या फिर मैं आपकी व्लॉगिंग ना आपके घर पर ही कर दूंगा तो मतलब मैं नहीं भाई मैं आता हूँ वहाँ पे कोई इशू नहीं तो अभी वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ का दिखाता हूँ मैं वहाँ का क्या सिस्टम है क्या नहीं है तो अभी फटाफट चलते हैं ये रहा ना मिल गया मिल गया मिल गया तो भी चलो चलते हैं गाइस चलते हैं When I see that big back body on TikTok Call me round the clock, there will be no hesitation No one I misguide ya, always on time girl We don't need a label, we don't need no altercation So hit me on my line, call so I can be of service I don't wanna lie, girl, it's better when you're nervous Don't wanna make you mine, but I wanna make a promise That if you want that ecstasy, she could be my You can be my Cause she could be my